हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पायल अपने बॉयफ्रेंड अंकित के साथ बाहर पार्क में घूम रही थी, तभी पायल अंकित से कहती है, अंकित तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? हमेशा यही बोलकर टाल देते हो कि कोई काम ही नहीं मिल रहा, लेकिन तुम खुद बताओ ना, मैं ऐसे बेरोजगार को अपना पति कैसे बनाऊंगी? पायल तुम तो जानती ही हो, अब तक मैं न जाने कितनी जगह जॉब के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि काम करूँ मैं। 3 साल हो गए हैं हम दोनों को साथ में, और अब तक मैं ही तुम्हारा सारा खर्चा उठा रही हूँ। तो क्या हुआ, अभी तुम मेरा खर्चा उठा रही हो, शादी के बाद मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा? ऐसा है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हें कोई नौकरी कैसे नहीं मिल रही है। तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतना कुछ जानते हो, कोई तुम्हें नौकरी देने से कैसे मना कर सकता है? ये बात तो मुझे भी नहीं पता है, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाता है, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है। वैसे एक बात बताना, मैंने तुम्हें बोला था ना मेरी कंपनी में एक जगह है, तुम वहाँ आए थे? मैं आ तो रहा था, लेकिन मुझे कुछ काम याद आ गया, इसलिए नहीं आ पाया। मुझे यही लग रहा था, तुम्हें ना खाली बैठने की आदत हो गई है, काम वाम तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। पायल तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, और तुम जब तक मेरे साथ हो तो मुझे काम क्यों करना है? तुम्हें कुछ समझ आता ही नहीं है, कोई नौकरी ही नहीं होगी तो तुम मेरी बारात कैसे लाओगी? कभी ये सोचा है तुमने? माँ तो शादी के लिए कभी मान नहीं वाली। तुम तो राजी हो ना, तो बस फिर तुम्हारी माँ को भी राजी कर ही लेंगे शादी के लिए। राजी तो मैं भी नहीं बेरोजगार से शादी करने के लिए, लेकिन प्यार जो करती हूँ तुमसे, तभी तो इतने समय तक एक से एक अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए, लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। प्यार तो मैं तुमसे कितना करता हूँ, तभी तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ना, वरना लड़कियों की कमी कहाँ है? लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन लड़कियाँ भी यही देखेंगी कि तुम कोई काम करते भी हो या नहीं। अगर उन्हें पता चला ना कि तुम बेरोजगार हो, तो एक बार में ही उल्टे पैर वापस चली जाएंगी। तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ खुश हूँ ना, तो मुझे दूसरों की जरूरत ही नहीं है, तुम हो यही बहुत है। पायल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पायल अब तक अंकित को ना जाने कितनी बार समझा चुकी थी, लेकिन अंकित को पायल की बात समझ ही नहीं आती, या यूँ कह लो कि अंकित बस पायल के भरोसे था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद पायल ऑफिस से घर आई ही थी कि तभी उसकी माँ शारदा पानी का ग्लास लेकर पायल को देती है और पायल से कहती है, बेटा मेरी बात को गलत मत समझियो, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, तेरी भलाई ही चाहती हूँ। हाँ माँ, मुझे पता है कि आप मेरी भलाई ही चाहती हो, लेकिन क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? सब ठीक तो है ना, या कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हो? तेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आया है, लड़का काफी अच्छा कमाता है, उसका खुद का काम है, और लड़के के घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मुझे तो ये रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा लगा। माँ मैंने आपसे बोला ना कि, बेटा मुझे पता है, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन, कब तक उस लड़के के पीछे पड़ी रहेगी जो खुद तेरे टुकड़ों पर पल रहा है? अरे तेरी भी तो उम्र निकल रही है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। माँ आपकी बात सही है, लेकिन अंकित नौकरी तलाश कर रहा है। तो उस पर विश्वास करती है, अच्छी बात है, लेकिन जो इंसान खुद काम ही नहीं करना चाहता वो नौकरी कहाँ ही देखेगा? एक बार इस लड़के से मिल, फिर बाकी तेरी मर्जी। ठीक है माँ, आप इतना बोल रही हो तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मिल लूंगी इस लड़के से। पायल अपनी माँ की बात मानकर उस लड़के साहिल से मिलने जाती है। पायल साहिल से मिलती है और पायल को साहिल का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए पायल रिश्ते के लिए मना नहीं करती और शादी के लिए मान जाती है। जैसे ही पायल की शादी तय होती है तो पायल अंकित के पास जाकर बोलती है, अंकित मेरी शादी तय हो गई है और लड़का काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लड़का पसंद है, इसलिए मैंने शादी के लिए मना नहीं किया। जब तुम्हारा जोक पूरा हो जाए तो बता देना, क्योंकि मुझे हंसी नहीं आ रही है। ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, ये देखो मेरी शादी का कार्ड। तुम पागल हो क्या, अपनी माँ के दबाव में आकर कैसे शादी कर सकती हो, तुम ये शादी नहीं कर सकती। मैं ये शादी कर रही हूँ, और हाँ अब तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी बारात तो मैं ही लाऊंगा, मैं भी देखता हूँ तुम शादी कैसे करती हो। ये क्या पागलपन है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अगर ऐसा कुछ किया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा तुम शादी कर रही हो तो बारात तो मेरी ही आनी चाहिए ना, अब तुम नहीं समझ रही हो तो वो तुम्हारी गलती है, अभी भी टाइम है, मना कर दो शादी के लिए। इसके बस की बात ही नहीं है, बस बोलता ही है, मैं अब इसकी बातों में ना आऊंगी ही नहीं। पायल मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ आ रही है ना तुम्हें? तुम्हें मेरी बारात लानी है तो ठीक है ले आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो शादी करूँगी। पायल अंकित को उसी की भाषा में करारा जवाब देती है
और वहाँ से चली जाती है। पायल की बातें सुनकर अंकित भी बौखला जाता है। वो पायल को शादी करते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वो भी अपनी अलग तैयारियां करने लगता है। कुछ दिनों बाद पायल की शादी की रस्में शुरू होती है और घर में मेहमान आने लगते हैं। तभी पायल की माँ शारदा पायल से कहती है, अच्छा हुआ तूने मेरी बात सुन ली, वरना पता नहीं कब तक उसके चक्कर में रहती। माँ अब पुरानी सारी बातें छोड़ो ना, मेरी शादी हो रही है, 2 दिन बाद मेरी बारात आ जाएगी, आप तो खुशियाँ मनाओ। हाँ मुझसे ज्यादा और इस समय कौन खुश हो सकता है, और तेरी बारात का स्वागत तो धूमधाम से होगा। जैसी आपकी मर्जी माँ, आपकी बेटी की बारात है, बार बार थोड़ी आएगी। बस तेरी शादी अच्छे से हो जाए, मेरे भी सारे फर्ज खत्म हो जाएंगे, तू भी तब अपनी गृहस्थी में अच्छे से ध्यान दे सकेगी। बस टेंशन तो मुझे इसी बात की है कि मेरी शादी अच्छे से हो जाए। अंकित की बातों को मैंने हवा में तो टाल दिया, लेकिन बस सच में कुछ अंकित करना दे। क्या हुआ बेटा, मैं तुझसे इतनी देर से बोले जा रही हूँ और तू है कि कोई जवाब ही नहीं दे रही। कुछ नहीं हुआ माँ, मेरी खुशी तो आपकी खुशी को देखकर और ज्यादा हो गई। शारदा बहुत खुश थी अपनी बेटी की शादी को लेकर। पायल की शादी की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी और आखिर पायल की शादी का दिन आता है। पायल तैयार होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी और बाहर उसकी बारात आ गई थी। जैसे ही शारदा बारात का स्वागत करने के लिए जाती है, तभी वहां सामने से एक और बारात आ रही थी। ये देखकर शारदा उस बारात में से एक औरत को कहती है, आप गलत जगह आ गए हैं शायद, आपको कहीं और जाना है। नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल सही जगह आए हैं और हमारी बारात तो यहीं आनी थी। उस औरत की बात सुनकर दरवाजे पर दो दो बारात देखकर वहां पर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि एक दुल्हन की 2 बारातें आई हैं और थोड़ी ही देर में वहां पर काफी बड़ा हंगामा होता है। ये सब देखकर पायल अपने कमरे से वहां आती है और वो अंकित को देखकर बोलने जा ही रही थी कि तभी साहिल कहता है, पायल ये क्या है और 2 बारातें, क्या मतलब है इन सब बातों का? ये अंकित है, मैंने बताया था ना आपको कि ये मेरा बॉयफ्रेंड था, ये वही है। हाय हाय, ये क्या दुल्हन की 2 बारात, अरे ये सब तो टीवी में ही अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में तो दुल्हन की 1 ही बारात अच्छी लगती है। हाँ ये बात हम सबको पता है, लेकिन आप लोग ही दूसरी गलत बारात लाए हो। मेरी होने वाली सासू माँ, गलत बारात कैसे हो सकती है, पायल ने आपके दबाव में आकर शादी के लिए हाँ तो कर दी। पायल की बारात तो मैं लाया हूँ, उसकी डोली भी मैं ही लेकर जाऊँगा। पायल अब ये सब तुम्हारे हाथ में ही है, तुम जो चाहती हो वही होगा, तुम्हारी 2 बारात आई है लेकिन तुम्हारी शादी केवल 1 से ही होनी है। और पायल का यही फैसला है कि वो मुझसे शादी करेगी, क्यों पायल? मुझे लगा तुम समझोगे मेरी बात, लेकिन तुम जिद करने लगे। मैं साहिल से ही शादी करूंगी, भले ही इस दुल्हन की 2 बारातें आई हो, लेकिन शादी 1 से ही होगी। इतना बोलकर पायल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में शादी की रस्में शुरू होती है और पायल अपनी दोनों बारात में साहिल को चुनती है और उसी से शादी भी करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।